हेलो एवरी वन वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एनर्जीज की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अब हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को तो पढ़ लिया है हमें बहुत अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके अंदर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेस्ट कंडीशन की वहाँ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी कि मैं क्या कर रही हूँ यानी मेरी अंदर कौन सी एनर्जी अभी पोटेंशियल एनर्जी है क्यों है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज मैं सिर्फ एक खड़ी हूँ एक जगह पे मतलब मैं मूवमेंट नहीं कर रही हूँ मुझे में मोशन नहीं हो रहा है दैट इज वाई मेरे अंदर अभी कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास पास में रखा है जिसके अंदर कोई भी मोशन uh, नहीं, नहीं हो रहा है कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है अब ये एनर्जी जो है जाती कहाँ है मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है सपोज रेस्ट कंडीशन में है फिर वो उसने मूवमेंट शुरू कर दिया मोशन स्टार्ट कर दिया तो जो रेस्ट कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहाँ गई और जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है मोशन की वजह से वो कहाँ से आ गई तो इसे आज हमें डिस्कस करना है सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट कोर शाला अब जैसे कि हमने कहा कि एक कार है सपोज हमारे पास एक कार क्या है रेस्ट कंडीशन में अभी हमें कहीं बाहर जाना था तो हमने कार को स्टार्ट किया और रवाना हो गए लेकिन ये नहीं सोचा कि पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर वहां पर अब काइनेटिक एनर्जी आ गई है कहाँ से आ गई है और अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी तो वह कहाँ कहाँ चली गई किसके अंदर चली गई स्टोर होने के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर आई है तो किसी ने क्या उसको उधार दी है तो बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता है एनर्जीज जो होती है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी को हमने ट्रांसफर किस में कर दिया उसी को हमने ट्रांसफर कर दिया है काइनेटिक एनर्जी में बिकॉज एनर्जी जो होती है वो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है ना ही उसका फॉर्मेशन हो सकता है किसी भी एनर्जी का ना ही फॉर्मेशन हो सकता है ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसीलिए ही तो अभी जो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई है तो एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है क्यों अगर हम एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते तो एनर्जी की डिमांड तो फुलफिल हो जानी चाहिए थी लेकिन एनर्जी को फॉर्म नहीं कर सकते एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसीलिए हमारी एनर्जी की डिमांड भी फुलफिल नहीं हो रही है बिकॉज अर्थ के ऊपर एनर्जीज तो लिमिटेड है बिल्कुल सही है लेकिन कंज्यूम करने वाले ज़्यादा है उनको उसका ट्रांसफॉर्म किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे कंटिन्यूअसली हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन फिर भी एनर्जी जो है वो हमारे लिए कम पड़ रही है इसीलिए तो हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढे उसके लिए कि हमें सन से भी एनर्जी ले सकते हैं हम टाइट से भी एनर्जी ले सकते हैं हम वेव एनर्जी को भी ले सकते हैं चलिए सो एनर्जी को ना ही फॉर्म किया जा सकता है एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है इसी को हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहती है अगर आप बात करेंगे कि भाई सपोज हमने कहा कि जो कार की बात की थी हमने कि ये जो हमारी कार है इस कार के अंदर क्या है अभी पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ये अभी कैसे रेस्ट कंडीशन में है जब इसने मोशन किया मोशन करके यहाँ तक आ गई है अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो गई है काइनेटिक एनर्जी हो गई है यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वही किस में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है फाइन और अगर सपोज ये कार कहीं आगे जाके यहां पर अगर ये फिर स्टॉप हो जाती है फिर ये रेस्ट कंडीशन में आ जाती है इसका मतलब क्या होगा यही काइनेटिक एनर्जी जो है अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी मतलब एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है ना हमने उसको बनाया ना हमने उसको ख़त्म किया हमने सिर्फ क्या किया उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइन बहुत इजी सा लॉ है अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे इसके चलिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन ना इधर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कभी भी ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑल दो इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर वन फॉर्म टू अनादर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैसे तो ये मैं आपको भी बताने वाली हूँ इफ़ यू टेक ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन टू अकाउंट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट इसका मतलब है कि हमने क्या किया है? हमने लिया है एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हमने डिफाइन कर दिया फाइन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी काइंड की एनर्जी है चाहे वो पोटेंशियल है चाहे काइनेटिक है चाहे हीट एनर्जी है चाहे लाइट एनर्जी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो हमने कहा कि भाई इनके अंदर जो एनर्जी है वो ई e है इस पूरे के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी ई है, e है? अब क्या होगा यहाँ बहुत सारे काम तो हो ही रहे काम होंगे तो एनर्जीज का क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी तो थोड़े टाइम बाद हम फिर हमने चेक किया ओवरऑल इन सबकी जो एनर्जी मिली वो हमें कितनी मिली अगेन ई मिली दैट मीन्स कि एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है किसी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो ओवरऑल एनर्जी कॉन्स्टेंट ही रहेगी अगर इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और सबकी अपनी अपनी एनर्जीज है सब एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं तो भी आप कभी भी चेक करेंगे हमेशा उसकी एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है वो कभी भी चेंज नहीं होती है ना ऑल दी फॉर्म ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है एनर्जी की जिसको कि हम खत्म कर सकते अब सपोज सोलर एनर्जी है हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की ठीक है तो सोलर एनर्जी को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते ना ही वो बन बन सकती है ख़त्म नहीं हो सकती हमने अगर इसको सोलर पैनल में ले भी लिया तब क्या होगा वही सोलर पैनल में आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हो सकता है कि हम लाइट वेट लगाएंगे तो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन उस एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है वो स्टोर्ड है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है कंटिन्यूसली आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि एनर्जी को कभी बनाएंगे नहीं कभी ख़त्म नहीं करेंगे उसको क्योंकि वो होगी भी नहीं चलिए अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है तो अगर हम पेट्रोल की बात करें कि ये जो कार है ये चल रही है पेट्रोल से पेट्रोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ये कार जब रेस्ट कंडीशन में थी तो इसमें क्या थी पोटेंशियल एनर्जी थी जब ये मोशन में आ गई है काइनेटिक एनर्जी है ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कौन सी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है बट ये मैकेनिकल एनर्जी आई कहाँ से है तो ये आई है इस केमिकल एनर्जी से यहाँ पे क्या था पेट्रोल था इसको किस इसने पेट्रोल किसको दे दिया ये दिया कार को पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी है केमिकल एनर्जी है जब ये कार के अंदर जाएगी तो वही केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी नेक्स्ट आ जाओ यहाँ देखो जब ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन में है ये जो एप्पल है सब जब रेस्ट कंडीशन में है दैट मीन्स कि इनके अंदर कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन जब ये मोशन में आ गया जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है इनमें से तो कौन सी एनर्जी आ गई इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर थी इस एप्पल के अंदर थी वही किसमें कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है फाइन चलिए और क्या हो सकता है देखो यहाँ पर क्या है ये इलेक्ट्रिकल आउटलेट है जिसके अंदर कौन सी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी अब यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पर यहाँ देख लो टेलीविजन में कौन सी एनर्जी होती है साउंड एंड लाइट एनर्जी होती है कहाँ से आती है तो यहाँ जब इसके प्लग लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया जाता है यहाँ से फिर इसको साउंड एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है अगर आपको टीवी देखना है तो नेक्स्ट इज यहाँ जनरेटर है जनरेटर में कौन सी एनर्जी होगी जनरेट करेगा वो मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है मैकेनिकल क्यों कहते हैं तो जनरेटर के साथ साथ में क्या लगा होता है एक टर्बाइन लगा होता है जो क्या करता है रोटेट करता है या हम कह सकते हैं आर्मेचर लगा होता है जो रोटेट करता है इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको कि ये मैकेनिकल एनर्जी है इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी से क्या बनता है इलेक्ट्रिसिटी जब कभी भी हमें वाटर वा, से इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है या हमें टाइप से इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है या विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है तो हमेशा वहाँ पर क्या लगाया जाता है एक आर्मेचर लगाया जाता है मतलब एक टर्बाइन लगाया जाता है और टर्बाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जनरेटर को तो जनरेटर क्या करता है एनर्जी को लेता है मैकेनिकल एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यहाँ पर भी यही है ये यह जनरेटर क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देगा तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा और वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अब यहाँ जो केमिकल एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी देखो किस में कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है यहाँ आ जाओ फूड जो है एज आई टोल्ड यू कि फूड भी क्या होता है केमिकल एनर्जी में ही आता है फूड के अंदर कौन सी एनर्जी है केमिकल एनर्जी है लेकिन जब हम उसको इंटेक करेंगे तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम मोशन करते हैं खाना खाते हैं फिर भागना शुरू कर देते हैं अपना काम हम शुरू कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी होगी यहाँ देख लो टोस्टर के अंदर क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी है जब हमने उसको प्लग लगाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसने कौन सी एनर्जी कन्वर्ट की हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी जिसकी वजह से इसके अंदर जो ब्रेड रखी है हमारी वो सीख चुकी है वो पूरा टोस्ट बन चुकी है नाउ बैटरी जो है इस बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है केमिकल एनर्जी है देखो बैटरी के अंदर तो क्या होता है ना बैटरी के अंदर ये कौन सी एनर्जी है केमिकल एनर्जी है इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी की बात कर रहे हो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाएगा लाइट एनर्जी के अंदर अगर हमने कहा कि हमने बैटरी से एक आ, बैटरी किसके अंदर डाल रखी है इस टॉर्च के अंदर डाल रखी है या बैटरी से हमने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है तो उसके अंदर क्या होगा पहले केमिकल एनर्जी होगी फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आफ्टर दैट वो कहाँ आ जाएगा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा फाइन आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे हम एनर्जी को बना नहीं सकते लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चलिए नाउ देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हम ये बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में था पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर पजिस्ट की हुई थी उसने उसके बाद वो किस में आ गया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया क्या सडन चेंज हो गया कि हंड्रेड परसेंट पोटेंशियल एनर्जी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इज इट पॉसिबल नो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कार जो है ऐसा थोड़ी ना है कि अभी रेस्ट कंडीशन में है लेकिन एकदम से उसने 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड को अटेन कर लिया बिल्कुल नहीं ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता धीरे 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 वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी कोई भी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो वो बहुत धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी बट जो दोनों का सम होगा वो हमेशा सिमिलर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा सिमिलर रहेगा उसके अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा एज आई टोल्ड यू कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी होगी और जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी तो अगर कम है काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज वट वी आर से कंजर्वेशन ऑफ लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कैसे रहेंगे कॉन्स्टेंट रहेंगे ई e की और ई e पी लिखे चाहे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखे हमेशा ये क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे मतलब कभी भी चेक कर लो अगर ट्वेंटी है तो ट्वेंटी ही रहेंगे थर्टी जूल है तो थर्टी जूल ही रहेंगे दोनों का सब चाहे कुछ भी हो जाए चलिए सो so, हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की एक एग्जाम्पल है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है अभी ये कैसा है रेस्ट कंडीशन में है इसका मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है तो अगर ये रेस्ट कंडीशन में है दैट मीन्स कि इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं है और काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं है जीरो है सिंपल तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी हो रही है ये है टेन 10, मतलब हंड्रेड परसेंट है फाइन काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो बिकॉज ये जो कै, ये कैसा है रेस्ट कंडीशन में है ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट कंडीशन में है जैसे ही हमने इसको यहाँ से गिराया तो गिराते ही क्या होगा धीरे 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 मोशन में आ जाएगा और ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन कर लेगा एक्वायर कर लेगा लेकिन उससे पहले जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो थोड़ी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना तभी तो हम कहेंगे इन दोनों का सम कांस्टेंट होगा अदरवाइज कैसे होगा तो यहाँ जब हमने इसको गिराने की कोशिश की तो गिराते ही क्या हुआ गिराते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई टू जूल हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रिमेनिंग रहेगी देखो टेन थी टू जूल तो किस में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो रिमेनिंग कहाँ जाएगी वहीं तो रहेगी वो चेंज नहीं होने वाली है तो जो रिमेनिंग है इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी एट जूल हो जाएगी और दोनों का अभी सम चेक कर लो दोनों का सम कितना है टेन है अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए नाउ थोड़ा और आगे गए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई क्यों क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो थी इस बार काइनेटिक एनर्जी हो गई है फोर जूल लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी भी इसके अंदर है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फोर जूल जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में जो रिमेनिंग सिक्स जूल जूल है वो सिक्स जूल तो एज इट इज रहेगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में फाइन और नीचे आ जाओ और नीचे आए तो यहां पर क्या हुआ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो गई क्यों क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इस बार इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है सिक्स एट uh, इस बार इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई एट तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची है पोटेंशियल एनर्जी बची है ओनली टू जूल बिकॉज ओवरऑल जो है दोनों का सम कितना आना चाहिए कॉन्स्टेंट आना चाहिए यहाँ पर क्या था टेन तो यहाँ पर भी क्या आएगा टेन ही आएगा अब आ जाओ और आगे और आगे आए तो क्या हो गया और आगे आए तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो चुकी है टेन अब पूरी की पूरी जो जूल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी बिल्कुल भी नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है देखो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है अब अगर ये थोड़ा और आगे जाके धीरे 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 फिर से रुकेगा तो यही प्रोसेस फिर से फॉलो होगा कि कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में और धीरे 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 पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी फाइन यहाँ पे क्या था पहले पोटेंशियल एनर्जी थी टेन काइनेटिक एनर्जी थी ज़ीरो जैसे जैसे इसको गिराया गया वेलोसिटी चेंज होती गई वेलोसिटी इंक्रीज होती गई वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई और रिमेनिंग जो थी वो क्या थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी बिकॉज दोनों का सम हमेशा क्या आना चाहिए था टेन आना चाहिए था तो देखो हर बार इनका सम कितना आ रहा है टेन आ रहा है दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है सारे ही केसेस में आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है जैसे ही एनर्जी की बात आती है सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट आता है चलिए एक बार और इसको हम देख लेते हैं यहाँ देखते हैं यहां पर ये यह जो ऑब्जेक्ट है जो ये यह बॉल यहाँ पे लटका रखी है हमने स्ट्रिंग से ये अभी कैसे है ये यह पहले यहां रेस्ट कंडीशन में थी अब जैसे ही हमने इसको मोशन में ले आए हम इसको मोशन में ले आए मतलब कि ये क्या कर रही है ऑसिलेट कर रही है ये ऑसिलेशन में कर रही है कंटिन्यूअसली इसके ऑसोलेशन हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम क्या करता है पेंडुलम जो होता है ये पेंडुलम अगर मैं सपोज मानूं तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा ये हमको पता है फाइन हमें ये भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक सर्टेन हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है सर्टेन हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी फाइन अब आ जाइए इस पर यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ मोशन में है अगर ये मोशन में है तो मैं बोल रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ तक ये आया यहाँ पे क्या हो गई यहाँ तक तो ये क्या कर रहा था ऊपर की तरफ मूव कर रहा था धीरे धीरे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है तो यहाँ लास्ट तक जाते जाते क्या हो गया लास्ट तक यहाँ पर आते आते यहां तक जैसे ही पहुंचे उस पर्टिकुलर हाइट तक जैसे ही पहुंचे वेलोसिटी फॉर अ वाइल क्या होगी जीरो पॉसिबल है बिल्कुल है यहां भी तो क्या होता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये तो होती है बहुत कम टाइम के लिए होता है ये लेकिन होता तो है तो यहां पर भी क्या होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है इट इज हाफ एम स्क्वायर फाइन इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी जीरो क्योंकि भी जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी होगी सिंपल सी चीज है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है मैक्सिमम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो अब सपोज मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब है फाइव तो जूल मैक्सिमम का मतलब है फाइव जूल तो मैं ये बोल रही रूँ कि ये जो फाइव जूल एनर्जी है ये कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे क्या है जीरो है अब यहाँ नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी अब जैसे ही हम लास्ट यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी फाइव जूल और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ज़ीरो फिर ऊपर गए और धीरे धीरे क्या होता है ऊपर जाने पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर धीरे धीरे कम होगी तो वो किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और लास्ट इस पॉइंट पर आते आते क्या हो जाएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अगेन मैक्सिमम दैट इज फाइव जूल और काइनेटिक हो जाएगी जीरो आई होप कि अब आपको क्लियर है कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कैसे जो एनर्जीज़ है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है वो कभी भी चेंज नहीं होती तो पर्टिकुलर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करेंगे उसके अंदर जितने भी काइंड की एनर्जी है सब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी ना ही उनका फॉर्मेशन हो सकता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जीज़ का क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है फाइन एक हमने एग्जाम्पल और देखा था एक एग्जाम्पल हमने किसी एक वीडियो के अंदर देखा था क्या था वो कि यहां पर ये ढलान है ये है यहां पर कौन थी एक कार थी Fine. एक कार जब यहां पर थी फिर वो और आगे आगे आके क्या आगे यहां पर आ गई आगे आके. फिर और आगे गई तो यहां आ गई अब उसके बाद वो अपने घर जा रही है फाइन यहां पर एनर्जी कौन सी है ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है मतलब कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है मोशन में है जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो फॉर अ वाइल्ड क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किस्में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में तो यहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी में है ये जैसे ही इसको और आगे जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगी फिर से ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा यहाँ काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी है सो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हम एनर्जीज का फॉर्मेशन for, uh, नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फाइन अब एनर्जी को हमने कंप्लीट कर लिया है नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द पावर हमारा एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस चैप्टर का जो कि है पावर हमने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया हमने एनर्जी को पढ़ लिया है अब हमें पढ़ना है पावर के बारे में तब तो तक के लिए थैंक यू सो मच